जीके किड्स। मस्तक पर चक्र। एक नगर में चार ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी मैत्री थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि अपने बंधु बांधवों में धनहीन जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कटीले जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते थे। बंधु बांधव भी उससे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे विरक्त हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी सुरूप कहलाता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश में जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ा, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते शिप्रा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ नदी के शीतल जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जटाजुटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगी राज का नाम भैरवानंद था। योगी राज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, हम अर्थ सिद्धि के लिए यात्री बने हैं, धनोपार्जन ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु का स्वागत करेंगे। इस धनहीन जीवन से मृत्यु अच्छी है। योगी राज ने उनके निश्चय की परीक्षा के लिए जब यह कहा कि धनवान बनना तो देव के अधीन है, तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सच है कि भाग्य ही पुरुष को धनी बनाता है, किंतु साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग्य को बदल लेते हैं। पुरुष का पौरुष कभी कभी देव से भी अधिक बलवान हो जाता है, इसलिए आप हमें भाग्य का नाम लेकर निरुत्साहित ना करें। हमने अब धनोपार्जन का प्रण पूरा करके ही लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं, आप चाहे तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास मैत्री शक्तियाँ हैं। हमारा निश्चय भी महान है, महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवानंद को उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बतलाते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वही तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापिस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर उन्हें तमामयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दरिद्रता दूर नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यही रहूँगा। यह कहकर उसने यथेष्ट तांबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष दो मित्र बोले, पीछे तांबा की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली है, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ गए। उन दो में से एक के हाथ से फिर दीपक गिर गया। खोदने पर उसे सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितना चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा, सोने से उत्तम कौन सी चीज है।
आओ सोने की खान से यथेष्ट सोना खोद दे और घर ले चले। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबा मिला था, फिर चांदी मिली, अब सोना मिला है, निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर चला जाऊंगा, तूने आगे जाना है तो जा। अब वह चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था, कांटों से उसका पैर छलनी हो गया। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वह आगे ही आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा शरीर खून से लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बताओ, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा ना रही। उसने कष्ट से कराते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गया? अजनबी मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बात करेगा। युवक ने पूछा, यह कब होगा? अजनबी, अब कौन राजा राज्य कर रहा है? युवक, वीणा वत्सराज। अजनबी, मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज्य में दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन व जल कैसे मिलता रहा? अजनबी, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुषों के लिए बना है। इस चक्र के मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वह व्यक्ति अंततः काल का कष्ट भोगता है। यह कहकर वह चला गया और अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वही रह गया। सीख, लालच बुरी बला है। धन्यवाद।